हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विश्वा मोदी, मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ। मैं एक मिशन पे हूँ। मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। और मैं हर वीकली लाइव वेबिनार कंडक्ट करती हूँ और उसका टॉपिक ये रहता है कि मैं घर पर रह के आप घर से ही अपना सक्सेसफुली हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जस्ट 60 डेज। सो उस टॉपिक पे मैं लाइव वेबिनार्स कंडक्ट करती हूँ। अगर आप लोगों को लाइव अटेंड करना है, मुझे लाइव मिलना है, लाइव मुझसे बातें करनी है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रही हूँ, उसको क्लिक करिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। तो अभी ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो है टियारा। टियारा बहुत लोगों को पसंद होता है, टियारा को हेयर वाइन भी बोला जाता है। तो उसके लिए एक रेडीमेड बेस भी आता है जो सर्कल इस तरह का आता है और उस पर ग्रीन कलर की ये पट्टियाँ लगाई हुई होती हैं। बट मैं आज आपको ये जो 22 गेज का जो तार आता है उससे मैं टियारा बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली आपको ये वाला जो तार होता है ये आप जैसे ही मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। तो आपको जितनी साइज़ का लेना है उतनी साइज़ का आपको लेना है और थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि रैप करने के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, तो मैं इतना ले रही हूँ क्योंकि मैं छोटी बच्ची को गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं तो अभी टियारा नहीं पहनने वाली, तो इसलिए मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ अभी। तो इतना मैं ले रही हूँ, तो इतना मैं कट कर दूँगी। आपको जितनी साइज़ का चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अपने हेयर के ऊपर इस तरह से रख के देख लीजिए कि आपको कितनी साइज़ का चाहिए। ठीक है, अभी ये इस तरह से हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा टर्न करूँगी क्योंकि हमें यहाँ पे इसको फिक्स करना है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है लाइक दिस। इस तरह से, और ये वाला जो थोड़ा है वो मैं कट कर रही हूँ। चाहो तो आप फोल्ड भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो ये इन शॉर्ट आपको फिक्स करना है। ठीक है, ये सर्कल पूरा प्रॉपरली हो चुका है और इसको आपको हाथ से यूँ थोड़ा थोड़ा टर्न करना है, फोल्ड करना है बाहर की ओर से, ताकि वो एक सर्कल जैसा बन जाए। ठीक है, ये सर्कल जैसा हो चुका है। बट आप यहाँ पे जब इसको फोल्ड कर रहे हो तब आप ध्यान रखिए कि ये जो एजेस है वो बाहर की ओर बहुत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी बच्ची अगर पहने, छोटी या कोई भी पहने, तो वो चुभना नहीं चाहिए। तो इस तरह से प्रॉपर मैंने दबा दिया है, अभी वो नहीं चुभेगा। तो इस तरह से करने के बाद आप तार के ऊपर ग्रीन कलर की एक पट्टी आती है, मैंने आपको लास्ट हेयर एक्सेसरीज के वीडियो में दिखाया था, वो आप इसके ऊपर रैप भी कर सकते हो। बट मुझे ये गोल्डन कलर चाहिए क्योंकि गोल्डन कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फ्लावर्स लगाएंगे। मैं आज पेपर फ्लावर जो आता है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह के बंडल में आता है, तो इसको आपको खोलना होता है। मैंने ऑलरेडी पहले से थोड़े खोल के रखे हुए हैं। और क्या होता है कि जब हम फ्लावर्स लेते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स ख़राब भी हुए होते हैं, जैसे ये थोड़ा दब गया है। बट आपको अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा इस तरह से खोल देना होता है तो वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ रेड फ्लावर का यूज़ करूँगी, थोड़े येल्लो कलर के फ्लावर मैं यूज़ करूँगी। ये खोल देते हैं हम लोग। आप अभी तो बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स मार्केट में मिलते हैं, आप कोई भी फ्लावर्स ले सकते हो। बट मैं अभी सिंपल वे से ही बनने वाला मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये येल्लो कलर का फ्लावर है, इसके पीछे ये तार आता ही है लंबा, आपको इस तरह से पकड़ना है, फ्लावर को पकड़ना है और इसको भी हम इस तरह से रैप कर देंगे। इस तरह से रैप करना है और ये हो चुका। और ये मैंने बहुत बार 5-6 बार रैप करने के बाद इसको मैंने कट कर दिया। अभी सेम मैं उसके साइड में ही मैं ये रेड कलर का लगा रही हूँ। उसको भी हम सेम वे से इस तरह से रैप करते जाएंगे।
जो भी फ्लावर एसेसरीज होती है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत जल्दी भी बनती है। तो और वो तो कैसी हेयर एसेसरीज आप बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है, बट हेयर एसेसरीज में टाइम नॉर्मली जो ज्वेलरी बनाते हैं उससे कम लगता है। यहाँ पे मैं ये पोलन आते हैं, ये पोलन यूज़ कर रही हूँ, उसको भी सेम हमें वैसे ही रैप करना है। और कट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा गैप बच रहा है तो मैं यहाँ पे ये मैंने एक बनाया हुआ है पल का, तो मैं यहाँ पे एक पल लगा रही हूँ। जो भी चीज़ हम लगाते हैं उसको सिर्फ सिंपल वे से आपको रैप ही करना होता है, इस तरह से कर देंगे। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे लगाया है, सेम मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। मैं पूरा नहीं भर रही हूँ, आप चाहो तो पूरा भर सकते हो। जब मेरी शादी हुई थी, जब हम लोग हनीमून पे गए थे, तब वहाँ पे गोवा में ये वाला टियारा बहुत ज़्यादा मिल रहा था, चर्च है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टियारा मिल रहा था, तो मैंने भी परचेस किया था। मैं ऐसा ही बना रही हूँ जैसा मैंने परचेस किया था उस टाइम पे, वैसा ही उस टाइप का ही मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि टियारा तो आप जैसे बनाना चाहो वैसे, आप हैवी फिर लाइट, आपको जैसे भी बनानी हो वैसे आप बना सकते हो। मैंने जब परचेस किया था टियारा, वो आई थिंक 7 साल पहले मैंने 50 रुपये का लिया था। 8 साल होने वाले हैं 8 साल पहले मैंने 50 रुपये की टियारा ली थी। अब तो शायद से महंगी भी हो गई होगी, पता नहीं क्या रेट होगा, बट कुछ था नहीं उसमें, फिर भी मैंने, अभी मुझे पता चल रहा है कि यार इतना महंगा मैंने लिया था, उसकी इतनी कॉस्ट भी नहीं होती, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। बट मैंने जैसा उस टाइम पे खरीदा था मैं वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो दो जगह पे लगा दिया है, सेम वैसे मैं यहाँ पे और यहाँ पे लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे मैंने आपको पहले दो दिखाए लगा के, वैसे ही मैंने ये चारों लगा दिए हैं इस तरह से। तो मैंने गोल्डन तार इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे थोड़ा गोल्डन पार्ट दिख मतलब चाहिए था, क्योंकि मैं चाहती थी कि जैसा मैंने पहना था वैसा ही मैं बना पाऊँ। तो सेम वैसा ही बना था जैसा मैंने लिया था 8 साल पहले, मैंने कुछ ऐसा परचेस किया था 50 रुपये में। तो आप अभी और एसेसरीज़ के वीडियोस चाहते हो, हेयर एसेसरीज़ के रिलेट कोई वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए मोर हेयर एसेसरीज़, तो मैं और वीडियोज़ बनाती जाऊँगी क्योंकि बहुत कुछ है हेयर एसेसरीज़ में भी। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपनी बच्ची के लिए, बच्ची के साथ ही आप उनको भी बच्ची के साथ आप भी ज्वेलरी बनाइए और उनको बनाने दीजिए, तो उनको भी लगेगा कि मम्मी ने मुझे भी ज्वेलरी बनाने दी और मैंने खुद के लिए खुद की ज्वेलरी बनाई, तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।